वी विल टॉकबाउट दी ऑकेंस ऑकोरेंस में हम लोग देखेंगे कि ये मौकीला के कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं इनका हैबिटेट किस तरह से होता है कहाँ पे पाया जाता है देन वी विल अबाउट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जिसमें इनका हैबिट हाइफी और वो सारा डिटेल डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट दी फ्रूटिंग बॉडी दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर ये आपको फ्रूटिंग बॉडी दिख रहा है इसको काप इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है देन वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन की ये मौकीला जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है एंड एट द लास्ट एक डायग्राम के माध्यम से हम पूरा लाइफ साइकिल जानेंगे इस पर्टिकुलर फंगस का और इसमें एक चीज याद रखिएगा इन जो मॉर्चिला होता है इसके दूसरे नाम भी है दैट इज कॉमनली नून एज ट्रू मोरल स्पोंज मशरूम और गुच्छी के नाम से भी बहुत ही ज्यादा फेमस है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सिस्टमेटिक पोजीशन सिस्टमेटिक पोजीशन में इट बिलोंग्स टू द डिवीजन यू माइकोटा क्योंकि ट्रू फंजय के अंदर आता है मॉर्चिला एस्कोमाइकोटीना के अंदर आता है क्योंकि यहां पे आपके जो एस्को स्पोर्स बनते हैं देर आर प्रोड्यूस इनसाइड इन साइड लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इन एस्कस और ये मोर्किला डिस्कोमा के अंदर आता है

So, में सबसे पहले अगर हम नंबर की बात करें तो 15 से 8 हमारे पास दो कॉमन है एक मॉकेला जो कि डिलीशियस से निकला है व्हिच इज एडिबल इन नेचर और एक दूसरा है हमारे पास मॉकेला स्क्यूलेंटा जो कि नॉट एडिबल होता है और इंडिया में भी द लद्दाख कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ एरियाज में पाया जाता है और जितने भी आपके मौकेला के स्पीशीज हैं और जनरली ये आपका तो जहाँ पे ह्यूमस होगा जहां पे ऑर्गेनिक मेटर ज्यादा होगा वहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है और वो कंडीशन जो है वहां पे सॉइल की कंडीशन मॉइस्चर जो है वहां पे कंटेंट अच्छा होना चाहिए इन एडिशन टू दैट डेड लीव्स डिकेन आपके ऑर्गेनिक मेटर या लॉक्स के ऊपर पाया जाता है और ये जो मोरल जो होता है ना एक्चुअली जो ट्रू मोरल एक्चुअली हम लोग फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं जो हमें जमीन के ऊपर दिखता है बट ये फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअल में दैट आर अटैच्ड टू द अंडरग्राउंड माइसीलियम जो कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग डिटेल बताएंगे तो ये माइसीलियम जो है ये फ्रूटिंग बॉडी आपका जो होता है ना वो एक्चुअल में इसका जो कनेक्शन होता है अंडरग्राउंड होता है माइसीलियम के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा फैला रहता है नीचे की तरफ और जो कि न्यूट्रिशन को बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब करता है अल्टीमेटली आपके पास ये फ्रूटिंग बॉडी बन के आता है और ये फ्रूटिंग बॉडी दैट इज एडिबल नेचर और बहुत ही ज्यादा टेस्टफुल होता है मीट और फिश के बराबर टेस्ट माना जाता है और इसीलिए इन्हें टेबल डेलीकेसी इन इंडिया भी कहा जाता है और इसका मार्केट प्राइस वैल्यू बहुत ही ज्यादा है मैंने ऑलरेडी कहा हमारे पास हम लोगों ने पता है कि हमारे हम पास एग्रिकस होता है मशरूम बटन मशरूम जो कि मार्केट में बहुत ही कॉमन है आपका देख आप लोगों को मिलता है ये इसलिए मिलता है क्योंकि उसका जो है कमर्शियल लेवल पे उनका प्लांटेशन होता है और उसको उगाया जाता है मशरूम को तो यहाँ पे मौकेला के साथ क्या है ये डिलीशियस है बट अनफॉर्चुनेटली हम इनको यहाँ पे कॉमर्शियली ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि वी डोंट नो द एक्सैक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस एक तो इसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता और यहाँ पे एक चीज है कि हम लोग बायोलॉजिकली आज तक इसको लैब कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाया है या कॉमर्शियली ग्रो नहीं कर पाए कि इसकी हम लोग बड़े लेवल पे कॉमर्शियली इसको प्रोड्यूस करें दैट्स वाई ये सिर्फ नेचर में आपको पाया जाएगा और इसीलिए इनका मार्केट प्राइस वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा हाई है अगर विजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइक अदर फंजाई ये जो आपका मोकिला में आपके हेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल हाइफी होता है और वो हाइफी दैट विल फॉर्म दी नेटवर्क लाइक चेन वी कॉल्ड इट इन माइसिलियम जो कि आपका सॉइल के नीचे जो है रहता है ये इस डायग्राम में आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं ये मोकीला है एक्चुअल में ये फ्रूटिंग बॉडी है जो उनका मेन जो माइसिलियम होता है वो सॉइल के अंदर होता है ये चीज मैं बता रहा हूं इसीलिए हम लोग को दिखता नहीं है और ये जो हाइफी का थोड़ा सा पोर्शन अगर इतने से हिस्से को हम काट के देखें तो एक्चुअल में ये जो हाइफी होती, होती है इनमें सेप्टा होती है दैट आर सेप्टेड इन नेचर और ये ब्रांचेड होती है हाईली ब्रांच और इस सेप्टा में ये जो होता है ना हमारे पास जो पोर रहता है दैट वी कॉल्ड इट इन ए सिंपल पोर तो सप्ताह विद सिंपल पोर ये चीज याद रखिएगा और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर जो हाइफी में जो सेल्स हैं ईच सेल्स कंटेनिंग लास्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट मींस यहाँ पे मल्टी कंडीशन होता है और ये सॉइल के नीचे रहता है और ये माइसीलियम जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन होता है मीन्स ऑर्गेनिक मैटर फूड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और मॉइस्चर कंटेंट बहुत सॉइल में अच्छा होता तो दीज माइसिलियम सॉइल के सरफेस के जस्ट नीचे नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये देखो यहाँ पे थ्री नॉट्स आर प्रेजेंट और ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दी रेनी सीजन जब सॉइल का सर्फेस सॉफ्ट हो जाता तो दीज नॉट लाइक स्ट्रक्चर कम्स इन दम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी वी कॉल्ड ए हम इन्हें इसको एस्कोकाप कहते हैं दैट इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंजाई तो ये हम लोगों ने ये देखा और हार्ड कंडीशन में ये एक हमारे पास एक मॉडिफिकेशन होती है दैट वी कॉल्ड कॉल्डिया भी मनाते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रूटिंग बॉडी दैट इज द एस्कोकाप ऑफ मकेलाई इसके बारे में सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करें तो अभी जस्ट मैंने बताया जब सॉइल के अंदर सफिशियंट मॉइस्चर और न्यूट्रीन हो दैट मीनस फेवरेबल कंडीशन हो तो ये माइसिलियम जो है सॉइल के सरफेस के जस्ट नीचे अकोमलेट होके नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर Further grow करता है, है, है है, के बाहर आता है, in the form of fruiting body बाहर आता आता जब आपका में बहुत या जो ये और स्टार्टिंग में ये जो आपका फ्रूटिंग बॉडी है वो कप शेप होता है ये चीज भी याद रखिएगा। और इनका जो सरफेस अभी यहाँ पे आप लोगों को स्पॉन्च पोर्स दिख रहा है वो ऐसा नहीं होता बिल्कुल एकदम से स्मूथ होता है गेरिकस की तरह बट लेटर ऑन जब आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा पाइलस का हाइमिनियम लेयर जो है इसमें इरेग्यूलर ग्रोथ होता है इ ग्रोथ होने के कारण हमारे पास यहाँ पे और डिप्रेशन बनेंगे ठीक है तो यहाँ पे ये ये और डिप्रेशन लेटर ऑन बनता है जिसके कारण डब आप आपको मौकीलापोन्च लाइक -like दिखने लगता है एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नू एज स्पोन्च मशरूम और जनरली ये रिजिस और डिप्रेशन इसलिए बनते हैं ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्काई नंबर ऑफ स्को स्पोर्ट बहुत ज्यादा बने ताकि ये अपना पॉपुलेशन और ज्यादा तेजी से बड़ा है इसलिए बनता है ठीक है सो डेवलपमेंट के बाद इसको कप का दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कप सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो आपका इसको एस्कोकाप है प्रोटीन बॉडी इज एन स्पोर्ट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है और ये जनरली आपका हाइट जो है वेरी करता है टू टू थर्टीन सेंटीमीटर और इसमें हमारे पास ये चीज है क्या होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है वी कॉल्ड इट इन स्टीप और उसी के ऊपर हमारे पास सरमाउंटेड बाय ए लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट इन ए पायलस और जनरली पायलस और स्टीप का जो लेंथ होता है ना वो सेम होता है अब अगर हम स्टीप की बात करें तो ये स्टीप जो है जनरली थिक फ्लैशी येलो कलर्ड का होता है ये चीज याद रखिएगा ये वाला पोर्शन और ये अराउंड वन टू तो टू तो सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है इनका डायमीटर ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम लोग पाइलस कहते हैं विच आर ब्रॉक सॉरी ब्राउन आर ब्लैक कॉनिकल स्ट्रक्चर और ये आपका फर्टाइल पोर्शन है और हमें ये हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है कि इसके ऊपर लेटर ऑन हमारे पास आ, ये जो इरेगुलर ग्रोथ होने के कारण हमारे पास रिजिस और डिप्रेशन बनते हैं ये आपका रिजिस हुआ और जो आपको होल दिख रहा है दैट आर द डिप्रेशन और ये जी रिजिस जो होते हैं जो आपको रिजिस दिख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा दैट आर स्टेराइल सर्विस उनके ऊपर कुछ नहीं होता वहां पे स्पोर्स नहीं बनते हैं जो डिप्रेशन मीन्स जो आपके पास पिट्स बनते हैं जो पोर्स बनते हैं इनके यहां हमारे पास एस्कोस्पोर्स स्पोर्ट मीन्स एसकस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं ये चीज याद रखिएगा तो फ्लोटिंग बॉडी के स्ट्रक्चर में भी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन पाइलस नीचे वाला पोर्शन स्टॉक स्टिप तो इसके बाद अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनली जो पाइलस में हमारे पास तीन रीजन पाए जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में एक हमारे पास सबसे नीचे लेयर होती है दैट इज द ट्रामा फिर उसके बाद हमारे पास एक लेयर होती है दैट इज वी कॉल्ड इट इन और सबसे हमारे पास आउटर लेयर होती है दैट वी इट इन हाइमिनियम जो कि फर्टाइल रीजन होता है ये चीज याद रखिएगा स्टिप में हमारे पास कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं है जो स्टॉक वाले पोर्सन में इसमें हमारे पास सीडोपेर कामेटर्स टिश्यू रहता है और बीच में सेंटर हमारे पास होलो केवेटी रहता है तो इस डायग्राम में और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं ये फर्स्ट डायग्राम है दैट इज दी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पाइलस पाइलस पे हमें पता है रिजेस होते हैं ग्रुप्स होते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको ये ये वाला स्ट्रक्चर दीस आर द रिजेस और रिजेस के बीच में हमारे पास डिप्रेशन दैट इज पिट्स हमारे पास होते हैं ये पिट जो है हमारे पास हमने ऑलरेडी कहा फर्टाइल पोर्शन होता है इसी पाइलस में हम तीन लेयर में लेशन होता है सबसे आउटर हाइमीनियम नीचे वाला सब हाइमीनियम और सबसे लास्ट वाला दैट इज ट्रामा और ये रीजन जिसके साथ आपका स्टॉक अटैच रहता है पोर्शन है इसके छोटे से पोर्शन को अगर हम वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से हेयर लाइक -like स्ट्रक्चर्स दिखेगा हाइमीनियम जिससे लेयर होती है जिसमें हमारे पास एस्कस और पैराफाइसिस पाया जाता है एस्कस के अंदर हमारे पास एस्कोस्पोर और एक उसी के नीचे हमारे पास सब हाइमीनियम तो इस तीसरे डायग्राम में ए पार्ट ऑफ हाइमिनियम देखिएगा एक्चुअल में, में हाइमिनियम हमने कहा कि फर्टाइल रीजन होता है दूसरे दो रीजन तो स्टेराइल होता है उससे मतलब नहीं है तो इसमें हाइमीनियम लीजर में जो फर्टाइल पोर्शन होता है ना दैट इज दैक स्ट्रक्चर वी कॉल इट इन एस्कस इसी के यहाँ एस्कोसपोर्स बनते हैं ये रिप्रोडक्शन में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नीचे और दो एस्कस के बीच में हमारे पास लॉन्ग जो आपके पतले आपके पास हेयर स्ट्रक्चर रहता है विच आर स्टेराइल इन नेचर और ये स्पोर्ट डिस्पर्सल में मदद करता है इन्हें हम पैराफेसिस कहते हैं तो दैट इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन लाइक ये चीज याद करिएगा नॉकिल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता आज तक रिपोर्ट नहीं है और ये दैट रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मेथड और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन भी नहीं बनता जो हमारे पास फ्लोटिंग बॉडी बन के आता है वहां पे हमारे पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता विदाउट फॉर्मिंग एनी सेक्स ऑर्गन तो ये हमें पता है कि में जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन प्रोसेस में कंप्लीट होती है प्लास्मोगेमी कैरियोगेमी एंड मियोसिस और यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बनता तो दैट विल गो थ्रू दोटो गेमी और ऑटोगेमी प्लास्मोगेमी में में हमारे पास क्या होता है ये डिटेल में अभी आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा सोमोटोगेमस कॉपुलेशन और ऑटोगेमस पेरिंग सोमेटोगेमस कॉपुलेशन में टू हाइफी जो है ना आपस में एक दूसरे के क्लोज आके उनके दो सेल फ्यूज कर जाएंगे ऑटोगेमस पेरिंग में उसी सेल हमें पता की माइ मोकीला मल्टी न्यूक्लियट है तो वही सेल एक ही सेल जो है ना उसी में सारे न्यूक्लियस डिजनरेट कर जाएंगे एक्सेप्ट वन पेयर दैट विल फॉर्म द डाइकेरियन मींस एक ही सेल इज इन्वॉल्व है ऑटोगेमस पेयरिंग में सोमेटोगेमस पॉपुलेशन में हमारे पास टू सेल्स आर इन्वॉल्व ठीक है दो आई का और यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा ये सारा डिटेल मैं अभी डिस्कस करता हूँ अल्टीमेटली फिर आपका कैरियोगेमी होती है तन भी हवायोस होती है नाउ इस डायग्राम में हम लोग पूरा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे सबसे पहले ये बात याद रखिएगा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना वो आपके फ्रूटिंग बॉडी मीन सॉइल के सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाइलस होता है पाइलस के हाइमिनियम रीजन में ये पार्ट बनता है सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे क्या होता है में आपके सब में में दो हाइफी आपस में एक दूसरे के के क्लोज क्लोज आता है आने के बाद उनके यहां पे तीन सेल मान के चल सकते हैं पे भी तीन सेल दो सेल आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और जब दो सेल आपस में इनके वॉल जो होते हैं ना वो फ्यूज करके अल्टीमेटली वहाँ पे प्रोटोप्लाज फ्यूजन होती है उनके साइटोप्लाजम और न्यूक्स सारा उस सेल का मिक्सअप हो जाता है एंड द फ्यूजन ऑफ दीज टू वी कॉल इट इन ए प्लास्मोगेमी तो प्लास्मोगेमी हमारा यहाँ पे हो गया फिर उसके बाद होता क्या है यहाँ पे बहुत सारे वो कीट कर जाएंगे एक्सेप्ट वन फ्रॉम पिंक वन एंड अनदर वन फ्रॉम ग्रीन वन बाकी सारे सारे डी कर जाते हैं और डीजेनरेट करने के बाद ये चीज याद रखिएगा आप लोग इसके बाद हमारे पास होता क्या है यहाँ पे इस सेल को नाउ वी कॉल्ड इट इन ए डाई क्योंकि इसमें हमारे पास दो न्यूक्लियस ही बचा रहा है बचा है एंड वन इज फ्रॉम पिंक एंड अनदर वन इज फ्रॉम ग्रीन तो ये डायकेरियॉन जो है आने वाले दिनों में पहले तो डीजेट कर गया था अब ये जो न्यूक्लियस है फिर से आपका क्या करेगा दैट विल डिवाइड डिवाइड और कॉन्जुगेट होता है, जब भी ग्रीन करेगा तो पिंक भी डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास हमेशा डायकेरियॉन हमारे पास बनता है जाता है और इसी सेल के पास नाउ आउट ग्रोथ निकलती है दैट आउटग्रोथ आर कॉल्ड एस्कोजेनस हाइफी इस एस्कोजेनस हाइफी में अल्टीमेटली हमारे पास सेप्टा बनता है सेप्टा बनने के बाद नाउ इस सेग को कहते कहते हैं। हैं। पे सिर्फ एस्कस एस्कस लिखा हुआ है। और इसी एस्कस मदर सेल में अल्टीमेटली यू जियो दो न्यूक्लियस जो है ना अल्टीमेटली दे विल फ्यूज विद ईच अदर एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉड न्यूक्लियस वी कैरियोगेमी फिर

इसमें चार न्यूक्लायर बना दैट विल अगेन गो अंडर माइटोसिस और ये माइटोसिस के बाद यहाँ पे हमारे पास जो चार सेल है वो फिर से डिविजन करा तो टोटल हमारे पास

या आपके पास मोकेला बन के आएगा दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन यहां पे करेक्टर मिक्सिंग होती है

और हमें पता कि हमने ऑलरेडी कहा था कि जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है वो सफिशियंट मॉइस्चर में बनता है तो वो जो एस्काई जो है वो आपका पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो टर्गर प्रेशर उनका बढ़ जाता है और ऊपर जो एक एपिकल पोर होता है इन फॉर्म ऑफ लिट वो खुल जाता है उसके खुलने के कारण आपके सारे एस्कोस पोर जो है ना वो हवा में सॉइल के ऊपर जो है वो एयर एयर में रिलीज कर जाते हैं पेराफेसिस हम लोगों ने कहा स्टेराइल पोर्शन है किसके बीच में हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर में देखा था स्ट्रक्चर के बीच में ये स्पोर्ट डिस्पर्सल में हमारा मदद करता है और आपके एस्कोस्पोर्ट आपके विद एयर करंट अल्टीमेटली जब ये आपका क्या कर जाएगा दैट विल फॉल ऑन इन सबस्ट्रेटम और स्टूबल सबस्ट्रेटम जहां पे मॉइस्ट ह्यूमस्ट हो तो ये एस्को स्पोर्ट जर्मिनेट करता है और नया मौकेला बनाएगा ये चीज याद रखिएगा बिलो फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस सोचना चाहिए अब वो डिग्री पे आपका ये जो है वो जर्मिनेट नहीं करता इसलिए मौकेला होता है वो हमारा डेली यूपी एरिया में नहीं होता बिकॉज वहां पर टेम्परेचर आपका उतना फेवरेबल जो है वो जनरली नहीं होता इन एरिया में आपका पाया जाता है और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा जो पायलस जो आपका पोर्शन है ना वो आफ्टर द रिलीज ऑफ जब एसको स्पोर्ट वहां से निकल जाएंगे तो वो श्रिंक कर जाता नव दी लाइफ साइकिल ऑफ मॉकेला अब हम लोगों ने पूरा इनका विजिटेटिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन पढ़ लिया तो लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल है इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास सॉइल के नीचे जो हमसेम होता, होता है और मल्टी न्यूक्ट होता है ड्यूरिंग दल कंडीशन वहाँ पे हमारे पास जब सफिशेंट न्यूट्रीन और मॉइस्चर हो तो हाइफल नॉट बनता है फिर लास्ट में हमारे पास बाद में फ्लूटिंग बॉडी इन दम ऑफ एस्को का बन किया था इसी फ्लोटिंग बॉडी के पाइलस वाले पोर्शन में हमारे पास अल्टीमेटली प्लास्मो होती है प्लास्म दो तरीके से हो सकता है और ऑटोगेमस ऑटोगेमस पेयरिंग पेयरिंग में हमारे पास वन सेल इज सोमेटोगेलिबल एक सेल जो है उसी के अंदर सारे न्यूक्लियस एक्सेप्ट एक्सेप्ट वन पेर आ, वन पेयर पेयर बाकी सारे डीजेनरेट कर जाते हैं सोमेटोगेमस कॉपोलेशन में हमारा क्या होता है सब हाइमिनियम लेयर में दो हाइफी आपस में एक दूसरे के क्लोज आता है फ्यूज करता है फिर अल्टीमेटली हमारे पास फ्यूजन के बाद मल्टी मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन में सारे एक्सेप्ट टू पेयर डिजनरेट कर जाता है में बाद में हमारे पास ये जो है हमारे पास साइमटेनियसली uh, ये दोनों डिवाइड करता है और उसी सेल में हमारे पास आउटग्रोथ निकलती है, उसी है में जब हमारे पास सेप्टा बनता तो दैट ऑफ एस्कस मदर सेल जो कि टर्मिनल सेल होता है इसी टर्मिनल सेल में अल्टीमेटली हमारे दो न्यूक्लाय जो है दैट ईच अदर दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द कैरियोगेमी फिर कैरियोगैमी में हमारे पास जो फ्यूजन हुआ एस्कस के अंदर वो जो है दैट विल गो अंडर द मियोसिस प्रोसेस मियोसिस प्रोसेस में हमारे पास एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कोस्पोर्स मियोसिस के बाद हमारे पास एक माइटोसिस भी होती है हम लोगों ने देखा अल्टीमेटली वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ एट एस्कोस्पोर्स इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर और एस्कोस्पोर्स बाद में आपका क्या कर जाता है वहां से आपका जो वहां द एटमॉस्फेयर फिर अल्टीमेटली दैट विल जर्मिनेट एंड फॉर्म द न्यू माइसीलियम और यहाँ पे ये चीज देखिएगा एस्कोस्पोर्स डीज आर इन नेचर यहाँ से लेके जब तक इनमें कॉपुलेशन नहीं होता दिस पूरा फेज जो है वो हैप्लॉइड फेज होता है दैट इज द

क्या कर जाता है दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर जो कि नए आपके पास मोकुलला बनाते हैं दैट इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल और ठीक नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर बुक दैट इज द टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी जिसके वॉल्यूम फर्स्ट में वी हैव डिटेल दिया हुआ है माइक्रोब्स क्रिप्टोगैम्स एंड जिम्नोस्पर्म अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है आने वाले दिनों में रिलेटेड टू दिस टॉपिक जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड होगा इन सब का कंटेंट इस बुक फॉर्म में बहुत ही ईजी फॉर्म में टू द पॉइंट मैंने ये दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉकेला पॉइंट वाइज इस बुक में दिया हुआ है जिसको रिमाइंड करने के लिए आपको एग्जाम में याद करने के लिए पॉइंट लिखने के लिए बहुत ही अच्छा सरल होगा और साथ ही साथ इस बुक को आप ऑनलाइन जो है वो परचेज़ कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा एंड दिस इज द आई एस बी एन नंबर ऑफ़ दिस बुक तो बुक के साथ साथ मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया वह बहुत ही अच्छे जर्नल में विद हाई इंपैक्ट फैक्टर अगर आप उसको देखना चाहे तो गूगल पे सिंपली इम्तियाज हुसैन कारगिल टाइप करिएगा जो है आप इस पर क्लिक करोगे इम्तियाज़ हुसैन गूगल स्कॉलर जिसमें आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के नाम से होगा जो ही इस पेज पर पे आप क्लिक करोगे आप